Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back, guys. This is our room, Zara and Isha. Or you can check our room. As we can see, this is the girls' room and how it looks like. Okay, good. And this is our bathroom. आप लोग स्टडीज यहाँ पे करते होते हैं और क्या कहती हैं ये ज़ारा की चल रही है स्टडीज। तो ये आपने फ्रिज भी रखा हुआ है यहाँ पे, मिनी फ्रिज रखा हुआ है। सही, तो ये आपकी बालकनी है। ओए होए होए, क्या बात है। चल रही है वेकेशन चल रही है, तो कभी हम लोग बाहर चले जाते हैं सब दोस्त मिलके। अच्छा। और फिर वरना हम लोग रूम में होते हैं, सुबह अक्सर क्लासेस में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। तो अगर कोई पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आना चाहे तो आप लोग क्या कहते हो कि ये रूम को कैसे मेंटेन करना है, क्या होता है? जब आप आए थे तो क्या हुआ था? जब हम लोग आए थे तो हमें जस्ट बेड प्रोवाइड किए गए थे। अच्छा। बेडिंग हम लोगों ने खुद की है और टेबल प्रोवाइड किए गए हैं। फर्नीचर सारा उनकी तरफ से था, बाकी हम लोगों ने ऊपर अपनी बेडिंग, अपने पसंद की बेडिंग और जिस तरह उन्होंने डेकोरेट करना है वो बाकी हमारी मर्जी है। वॉशरूम का यानी वो जो सेटअप है वो सारा इस तरह अवेलेबल होता है। अच्छा। फर्नीचर यूनिवर्सिटी की तरफ से। और दो कबर्ड दी जाती है। दो कबर्ड होते हैं हमारे, दो स्टडी टेबल्स होते हैं। अच्छा। एक रूम में दो गर्ल्स रह सकती है। सही सही, तो कोई मसला तो नहीं होता दो बंदे रहते हैं? वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर आप आपस में डिस्कस करके चलो वो फिर आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि मैम एज यू नो कि हर एक की नेचर अलग होती है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। सही सही, तो ये देख सकते हैं कि इस बच्ची ने बड़े अच्छे से अपना साइड टेबल अरेंज किया हुआ है। चलो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें अपना रूम दिखाया, फिर मिलते हैं। इट फील्स लाइक अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो दिया? ठीक ठाक, आप सुनाए मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आपका रूम देख सकते हैं? यस यस श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा जी, माशाल्लाह, इट्स सो ब्राइट। यस, दिस इज आवर स्टडी टेबल, बट राइट नाउ इट लुक्स डिफरेंट। ओके, वेरी गुड। कैसे हो? ठीक हो? छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? बहुत अच्छी। अच्छी गुजर रही है? पढ़ाई हो रही है? यस मैम। एग्जाम्स की तैयारी हो रही है आजकल? रूम में क्या होता है और कैसे एडजस्ट करना होता है? रूम में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बनाना है कि आप स्टडी कर सकते हो। लाइक आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रूम से बाहर आपको जाना पड़े कहीं भी और स्टडी करने के लिए, लेकिन आपने अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बनाना है, लाइक आपने अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ रखना है और जो बुक्स वगैरह हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।